गो। पहले स्टार्ट करते हैं गाइस यार महिंद्रा की गाड़ी से, तो यहाँ पे आ जाती है भाई बुलेरो, एंड ये है गाइस 2020 वाली बुलेरो। ओके, वैसे बुलेरो नियो भी आ जाएगी। ओके ऑलराइट यार, गियर पे चल रही है गाड़ी, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि आप लोगों को बताया यार, महिंद्रा की गाड़ी ना यार ज्यादातर तैरती है, एंड यहाँ पे बुलेरो का परफॉर्मेंस देखो, लाइक गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है बट फिर भी गाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रही है। तो यहाँ पे काफी प्यारा परफॉर्मेंस यार, लाइक लिटरली पहुंच पाएगी कि नहीं। ओके ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा नीचे गिरी है बट गाइस यार यहाँ पे बुलेरो का गेम खत्म होता है, लाइक लिटरली बुलेरो पूरी बंद हो गई, पानी से निकल ही नहीं पाई भाई। बट यार बहुत आगे तक आ गई थी, इंजन एक समय बाद आकर के यहाँ पे बंद हो गया। गैस यहाँ पे थोड़ी गिर भी गई भाई, ढलान भी है तो खैर कोई बात नहीं। काफी प्यारा परफॉर्मेंस बुलेरो का बट यहाँ पे बुलेरो फेल हो चुकी है। चलते हैं फॉर्चूनर की गाड़ियों को, मतलब टोयोटा की गाड़ियों को ट्राई करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं गाइस यार इनोवा क्रिस्टा 2.7Z भाई, टॉप मॉडल अभी की 2022 में लॉन्च हुई। इसमें कहते हैं कि लाइक फॉर्च्यूनर वाली पावर देखने को मिलती है बट खैर देखते हैं क्या होता है। ओके फॉर्च्यूनर जैसा पावर तो दिख रहा है, गाड़ी तैरने जैसा भी कर रही है। ओके काफी आगे, ऑलराइट ओके निकल गई, काफी तगड़ा स्पीड दिख रहा है मुझे एंड गाड़ी चालू है, प्योरली चालू है। ओके और अब यहाँ बाहर निकल के, जस्ट मुंह बाहर निकल चुका है तो गाड़ी विनर है बट यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई भाई पानी से जैसे निकली। तो गाइस यार यहाँ पे काफी प्यारा परफॉर्मेंस यार, इनोवा को मैं वहां पे रख देता हूँ, रुको उठा के रख देते हैं यार। यहाँ पे अपना चलो फिनिश पॉइंट है, ओके यहाँ पे लगा देते हैं इनोवा क्रिस्टा को एंड काफी प्यारा परफॉर्मेंस यार इनोवा क्रिस्टा का, मजा आ गया। चलते हैं अगली टाटा की गाड़ी को ट्राई करते हैं। ये है गाइस यार टाटा की हैरियर, एंड यार टाटा को अभी तक 0 पॉइंट है बट यहाँ पे महिंद्रा की 0 है, टोयोटा के 1 पॉइंट है। ठीक है तो फिलहाल यार देखते हैं हैरियर कैसा परफॉर्म करती है। ओके ऑलराइट यार तैर रही है, टाटा की गाड़ियां तैर रही है, वो देखो सामने का बोनट उठ जा रहा है, उठना मतलब होता है गाड़ी तैर रही है। तो यहाँ पे गाइस यार काफी प्यारा परफॉर्मेंस बट गाड़ी का स्पीड बहुत ही ज्यादा कम लगता हुआ मुझे, एंड दिक्कत होगी लग रहा है बहुत ही तगड़े से बट खैर गाड़ी यहीं पे ही मिसबैलेंस हो रही है। ओके ऑलराइट बंद, लेकिन गाड़ी विनर है, नहीं गाड़ी फेल है, गाड़ी फेल है कि विनर है, नहीं पास है, पास है गाइस, गाड़ी बाहर ही आ चुकी है, ऑलमोस्ट ऑल बाहर है, मतलब ज्यादातर हिस्सा गाड़ी का बाहर है। तो गाड़ी को यहाँ पे मैं विनर बनाता हूँ, चलो गाड़ी को ले चलते हैं आगे। ऑलराइट यार अब मैं कोई गाड़ी को ऐसा चांस नहीं दूंगा, ये दो गाड़ियां थी जिनको मैं उठा के इधर लाया हूँ, बाकी गाड़ियों को उठा के नहीं लाने वाला। ठीक है तो यहाँ पे टाटा हैरियर को भी 1 पॉइंट मिलता हुआ एंड चलो अब चलते हैं फिर से महिंद्रा की कार को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है स्कॉर्पियो S11, द बिग डैडी ऑफ SUV ऑफ ऑल टाइम गाइस। इसे ट्राई करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग की कौन सी फेवरेट कार है महिंद्रा में गाइस, मुझे बता देना ताकि मैं हर वीडियो पे उस गाड़ी को ऐड करूं। एंड यार आज मैं बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ पूछ रहा हूं। ओके ऑलराइट यार महिंद्रा की स्कॉर्पियो भाई तैर रही है। ओके मैं क्लासिक भी ऐड करूंगा सोच रहा हूं गाइस, क्या बोलते हो स्कॉर्पियो की क्लासिक एडिशन जो अभी आई है S11 वाली। ओके काफी प्यारा यार, काफी स्मूथली तैर रही है। ओके ऑलराइट यहाँ पे थोड़ा डूबने की तरह हुई एंड गाड़ी बंद, लिटरली गाड़ी बंद, गाड़ी यहीं पे आके बंद हो जा रही है यार लिटरली भाई। लेकिन गाड़ी विनर है तो मैं इसे उठा के रख देता हूँ यार, ये ऐसा उठाना मजा नहीं आता यार बार बार। बट खैर यहाँ पे 3 गाड़ियां हो चुकी है, एक टाटा की है और एक इनोवा, एक हमारी क्या कहते हैं यार महिंद्रा की है और एक यहाँ पे टोयोटा की है। तो काफी प्यारा परफॉर्मेंस यार तीनों गाड़ियों को, 1-1 पॉइंट मिलता हुआ, आखिर तक देखते हैं कौन सी कंपनी का ज्यादा पॉइंट यहाँ पे होता है। तो चलो गाइस यार अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं यार। टोयोटा में ना मेरे को फॉर्चुनर और लेजेंडर और लैंड क्रूजर, ये तीनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिलहाल अभी बारी आ जाती है फॉर्चुनर की, एंड ये 2021 एडिशन है फॉर्चुनर की एंड बहुत ही ज्यादा स्पीड है भाई, आप लोगों को तो पता है फॉर्चुनर इज लाइक लिटरली किंग। और कल एक वीडियो आएगी गाइस फॉर्चुनर वर्सेस लेजेंडर वर्सेस थार, प्योर ऑफ रोडिंग यार, हम लोग यार गड्ढों से, लिटरली कीचड़ वाले गड्ढों से इन गाड़ियों को निकालेंगे। वैसे गाड़ी चालू है ना। ओके भाई साहब पहली गाड़ी
फॉर्च्यूनर ओपी भाई, पहली गाड़ी यहाँ पे पानी से निकल करके चालू है वो है फॉर्च्यूनर, एंड गाड़ी अटक गई भाई, लिटरली अटक कर गलत हुआ, बट खैर कोई बात नहीं, अब गाड़ी अटकी है तो मैं इसे ठीक करके रख देता हूँ, ये मेरी गलती थी, बट खैर पहली गाड़ी यहाँ पे फॉर्च्यूनर ने जो भाई साहब कीचड़ से निकली है, एंड वो भी पूरी चालू थी भाई, काफी प्यारा परफॉर्मेंस यार, फॉर्च्यूनर ओपी भाई, लिटरली फॉर्च्यूनर ओपी, स्पैम कर दो यार कमेंट सेक्शन में, मजा आ गया यार। चलो भाई अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं। ओके टाटा नेक्सॉन भाई साहब, ये गाड़ी मेरे दोस्त क्या है यार लिटरली भाई, और चलो देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है नेक्सॉन यार, मुझे बढ़िया लगती है भाई लुक वगैरह के मामले में। ओके टाटा की गाड़ियां और महिंद्रा की गाड़ियां ऐसा परफॉर्म करती है ना भाई जैसे वो तैर रही है, ठीक है, एंड काफी प्यारा ये तैर रही है। ओके ऑलराइट, दिक्कत तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। ओके बंद तो नहीं होगी ना गाड़ी, ऑलराइट गई डूब गई। ओके निकली निकली नहीं, पानी से तो बाहर है और गाड़ी गाड़ी पूरी बंद है, बट मैं चलो इसको जादू देके चालू कर देता हूँ। बट फिलहाल यार यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ने चैलेंज कर दिखाया, बट यार टाटा नेक्सॉन बंद हो गई थी, मैंने इसे यार चिटकोट डाल के गाड़ी को चालू किया है, तो यहाँ पे चलो नेक्सॉन को रख देते हैं। काफी प्यारा नेक्सॉन का परफॉर्मेंस यार लिटरली भाई पार कर दिखाया। बुलेरो कैसे फेल हो गए समझ नहीं आ रहा है, अभी तक एक ही गाड़ी भाई यार महिंद्रा की बुलेरो फेल हुई, बाकी सारी गाड़ियां कर ले रही है यार। चलो अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं यार। अब बारी आ जाती है बुलेरो की कैंपर गाइस यार, आप फिर आप इसे कह सकते हो पिकअप कार, लाइक इसी को ही पिकअप कहा जाता है इंडिया में, एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। ओके ऑलराइट यार पूरा पीछे तो पानी ही भर गया, बट गाड़ी एकदम विस्तार से जा रही है। ओके ऑलराइट पूरी चालू है, जीरो दिक्कत यार लिटरली जीरो दिक्कत। ओके निकल जाएगी क्या, नहीं यहां पे अटक चुकी है गाइस यार, बट खैर हाँ गाड़ी विनर है, गाड़ी का आधा से ज्यादा हिस्सा बाहर आ गया। पीछे गाइस यार पिकअप में पानी, मतलब पीछे तरफ जहाँ पे टो करते हैं वहां पे पानी भरने की वजह से गाड़ी नहीं निकली, वरना निकल जाती, गाड़ी में अच्छा खासा पावर है। तो यहाँ पे गाइस यार महिंद्रा की है बुलेरो कैंपर विनर है, मैं इसे वहां जाके रख देता हूँ। चलो भाई रख ही देता हूँ यार, अब इतना भी क्या ही करना, ठीक है। ओके गाइस चलो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है, एंड यहाँ पे एक और महिंद्रा को पॉइंट मिलता हुआ चलते हैं अगली टोयोटा की कार को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस यार टोयोटा की हिलक्स भाई साहब, यार बुलेरो की कैंपर तो पार कर दी, बट हिलक्स क्या लगता है गाइस पार कर पाएगी कि नहीं, चलो देखते हैं। ओके ऑलराइट दिक्कत तो हो नहीं रही भाई, गाड़ी स्मूथली चल रही है बट स्पीड भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम है, हो रहा है। ओके हो जाएगा पार, हो जाएगा पार, हो जाएगा, बट भाई गाड़ी पूरी शेट, यहाँ पे टोयोटा की हिलक्स बंद हो चुकी है पूरी की पूरी गाइस यार यहाँ पे। ओके चालू है चालू है चालू है। ओके अब पूरी अटकी। ओके हो रही है चल रही है। ओके अब नहीं चल रही, अब गाइस यार यहाँ पे टोयोटा की हिलक्स प्रॉपर बंद हो चुकी है। तो गाइस यार इसका सफर यहीं तक था, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार टाटा की टाटा सफारी, गाइस क्या लगता है टाटा सफारी ये चैलेंज को कर पाएगी। ओके ऑलराइट भड़क के चल रही है भाई ये तो एकदम ऑलराइट भाई, स्पीड देखो भाई साहब टाटा सफारी की स्पीड देखो, ये क्या हो रहा है भाई साहब, कुछ ही सेकंड में यहां पे टाटा सफारी, ओ भाई पलट गई, लेकिन गाड़ी ने तो भाई परफॉर्मेंस दिखाया, गाड़ी बंद हो गई है। ओके गाड़ी पूरी बंद हो चुकी है, बट गाड़ी भाई साहब इतना स्पीड में कैसे निकली भाई, लिटरली तवाई परफॉर्मेंस यार यहाँ पे टाटा सफारी ओपी इन द चैट यार, क्या ही परफॉर्मेंस था। यहाँ पे टाटा की तीन गाड़ी थी मेरे पास एंड तीनों ने ये चैलेंज कर दिखाया। अब यार यहाँ पे मेरे पास टाटा की गाड़ियां नहीं बची, दो तीन हम लोग दूसरी गाड़ियों को ट्राई कर लेंगे, जैसे कि एंड्यूवर हो गया और जो जो गाड़ी आप लोग की फेवरेट है चलो उन्हें ट्राई करते हैं, लेट्स गो यार। अब बारी आ जाती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो।